अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। इसको बनाने का तरीका है कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमने लौकी ले ली है, जिसको हमने कद्दूकश कर लिया, इन ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद हमने चूल्हे पे फ्राई पैन रखा है। अब इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका था तो बस इसको हमने, हीट जो है वो हमारी मीडियम पे है, तो हमने इतनी देर इसको कुक करना है कि इसका पानी जो है वो बेसिकली ड्राई हो जाए। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई पैन से निकाल के ठंडा करके योगर्ट के अंदर ऐड करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि फिर किस तरह से इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो होगा रायता बनाने का। तो फर्स्ट यहाँ पर हम इसका पानी जो है वो ड्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ज़बरदस्त, गर्मियों में बहुत मज़े का लगता है। आप राइस के साथ, दाल के साथ, जिस चीज़ के साथ मर्जी इसको यूज़ कर लें। सिंपल आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी होता है ये। तो बस इसका पानी ड्राई होने देंगे अब हम यहाँ पे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसका पानी ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी है इसका वो ड्राई हो चुका है। तो बस अब हम चूल्हा यहाँ पर बंद कर देंगे और इस मटीरियल को हम निकाल लेंगे प्लेट में। प्लेट में निकाल के हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। गरम गरम जो है वो हम नहीं डालेंगे इसको योगर्ट के अंदर, क्योंकि अगर गरम डालेंगे तो फिर वो योगर्ट जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने योगर्ट ले लिए, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया। अगर आपको योगर्ट जो है वो ज़्यादा थिक महसूस हो तो आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं, या दूध ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर पिंच ऑफ जो है वो भुना कुटा ज़ीरा वो डालेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक साल्ट है और पिंच ऑफ सॉल्ट है। ब्लैक सॉल्ट का ये होता है कि इससे टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। ये हम योगर्ट के अंदर डाल के इसको कर लेंगे मिक्स। और अब जो है ये हमारा लौकी थी ठंडी हो चुकी है अच्छी तरह से, तो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अच्छे से कर देंगे मिक्स इसको। आप इस स्टेज पे भी इसकी थिकनेस को चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक है तो आप दूध या पानी जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी इतनी थिकनेस चाहिए इसलिए मैं और कुछ भी नहीं यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बस अब हम इसके तड़का बनाएंगे और वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने चूल्हे पे पैन रख दिया है और अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। चूल्हा हम ऑन कर देंगे, हीट हमने मीडियम पे रखी है। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो इसके अंदर हम ये एक जवा मैंने लहसुन के लिए है जिसको इस तरह से हमने काट लिया, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा सफेद ज़ीरा ऐड करके हम इसका तड़का बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो हम इसके अंदर लहसुन के जवे ऐड कर देंगे। इनको हम थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर सफेद ज़ीरा ऐड करेंगे 30 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। बस इतनी देर हमने जितना दिखाया है इतनी देर, और यहाँ पे थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो बस हमारा तड़का जो है ये तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, तो बस इसको हम लौकी के रायते के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तड़का हमने लगा दिया है, लौकी का रायता हमारा तैयार हो चुका है। चाहे तो आप इसको इस तरह से हम मिक्स कर दें। बहुत ज़बरदस्त और यमी तैयार होता है ये दाल के साथ, चावलों के साथ, और वैसे भी गर्मियों में ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसको किसी भी खाने के साथ
बना सकते हैं लंच में। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको मेरे लौकी के रायते की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।